आमिर खान और संदीप रेड्डी वांगा के बीच कोल्ड वॉर ने भयंकर रूप ले लिया है। संदीप ने आमिर को लेकर जो दावे किए उस पर एक तरफ किरण राव भड़क गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वांगा को आईना दिखाने के लिए अब जनता भी बीच में कूद पड़ी है। मसला गर्माता जा रहा है क्योंकि किरण राव ने संदीप रेड्डी वांगा से सीधा कह दिया है कि अगर उन्हें आमिर से इतनी ही दिक्कत है या फिर उन्हें आमिर के बारे में कुछ बोलना है तो वो उनके सामने जाकर आमिर से बात करे। लेकिन मसला है क्या और ये शुरू कैसे हुआ, आमिर तक कैसे पहुंचा और वांगा ने आमिर को ऐसा क्या बोला कि पूरी पब्लिक भड़क गई? चलिए एक एक करके सारी बातें आपको बताते हैं। दरअसल हाल ही में संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल आई जो ब्लॉकबस्टर तो साबित हुई, लेकिन कईयों ने इस मूवी की जमकर आलोचना भी की क्योंकि इसमें जिस तरह से महिलाओं पर पुरुषों को हावी होते दिखाया गया वो लोगों को रास नहीं आया। हाल ही में लापता लेडीज की डायरेक्टर किरण राव ने भी इसकी आलोचना की थी, इस मूवी को खराब फिल्म बताया था। तब संदीप रेड्डी वांगा ने हमेशा की तरह पलटवार किया था और कहा था कि पहले उन्हें अपने एक्स हस्बैंड आमिर खान को देखना चाहिए। संदीप ने कहा, मैं कहना चाहता हूँ उस औरत को कि वो आमिर खान से पूछे कि खंबे जैसी खड़ी है ये लड़की फुलझड़ी है वो क्या था, इसके बाद मेरे पास आए। अगर आपको दिल याद है तो लगभग रेप की कोशिश तक लेके जाके उसको एहसास जताता है कि इसने गलत किया और उसको प्यार हो जाता है, ये सब क्या है। अब इस पर किरण राव का जवाब भी सामने आया है और वो संदीप पर भड़क गई हैं। उन्होंने साफ कहा है कि अपने बयान में उन्होंने संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म का जिक्र ही नहीं किया। किरण ने आगे कहा कि अगर संदीप को कुछ कहना है तो आमिर खान से सीधे बात करे, उन्हें आमने सामने बताना चाहिए। मैं आमिर या फिर उनके काम के लिए जिम्मेदार नहीं हूं, मेरा कुछ लेना देना नहीं है। अगर मिस्टर वांगा को कोई दिक्कत है तो अपने सवाल सीधे आमिर खान से पूछे। इन सब के बीच अब आमिर खान का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो माफी मांग रहे हैं। आज तक से बातचीत में आमिर खान ने कहा, हिंदी फिल्में उतनी जिम्मेदार नहीं रही हैं, खासकर जिस तरह से फिल्मों में महिलाओं और पुरुषों को दिखाते हैं। जब हम फिल्मों में कुछ गलत दिखाते हैं तो ये भी दिखाते हैं कि उसका रिजल्ट कुछ पॉजिटिव है जो कि गलत है, और हम अक्सर फिल्मों में महिलाओं को आइटम बना देते हैं, यहां तक कि गाने भी। तू चीज बड़ी मस्त मस्त जैसे है और यहां तक कि मैं भी इसमें शामिल हूं और मैंने ऐसी फिल्में की हैं, खंबे जैसी खड़ी है, लड़की है या छड़ी है। गाने में हम महिलाओं को खंबा तो कह रहे हैं लेकिन इंसान नहीं, मैं इससे बहुत शर्मिंदा हूँ। इस वीडियो के जरिए जनता ने संदीप रेड्डी वांगा को आईना दिखाते हुए ये बताया है कि आमिर खान अपनी इस गलती के लिए पहले ही माफी मांग चुके हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।